साम्यवाद, कम्युनिस्ट, क्या होता है कम्युनिस्ट, साम्यवाद कम्युनिस्ट, चाइना क्या है कम्युनिस्ट, चाइना कम्युनिस्ट है। पहले सोवियत संघ का नाम था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, यूएसएसआर खत्म हो गया, 15 देशों में टूट गया। कम्युनिस्ट में क्या है कि कम्युनिस्ट देश में ना एक पार्टी होती है, उसका नाम होता है कम्युनिस्ट पार्टी। आप किसी को भी देश चलाना है तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करनी होती है, तो आप पहले कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कीजिएगा। अब आप कम्युनिस्ट पार्टी में धीरे धीरे अपना जगह बताते बनाते आप उच्च रैंक पर जाइएगा, दूसरी कोई पार्टी वहां नहीं आ सकती है। जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेड होगा वही देश का भी हेड होगा, वही शासन का भी हेड होगा, वही राष्ट्र का भी हेड होगा, वही तीनों सेनाओं का हेड होगा, वही खुफिया एजेंसी का हेड होगा, उसी का ऑर्डर सुप्रीम माना जाएगा। और उस सुप्रीम तक पहुंचने के लिए ना चुनाव लड़ना है ना एग्जाम देना है, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बन के धीरे धीरे नीचे से ऊपर लेवल पे जाना है। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव लड़िए सब कुछ होगा, तो चाइना की जो सेना है वो चाइना की देश की नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की है। किसकी है? कम्युनिस्ट पार्टी की। वो शपथ किसके लिए लेते हैं? हम चीन की शपथ लेते हैं? नहीं, हम कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान की शपथ लेते हैं। तो बहुत उपटांग चीज है, जरा सोचिए भारतीय सेना कल से अगर कांग्रेस या बीजेपी की सेना हो जाएगी मनोबल ही गिर जाएगा। तुम लोग कोई भी राजनीति वाले साइड रहो, हमारे यहाँ शासन कौन रहेगा? भारत का, भारत का शासन। तो ये जो होता है, ये देखो क्या कर रहा है। अब पुतिन को इतना जानकारी कहां से लाए थे? तो पुतिन के बारे में ज्यादा मत सोचो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पुतिन के बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे रेंज के बाहर की चीज है वो। तो क्या हमारे क्या कम्युनिस्ट सही है? नहीं, कम्युनिस्ट में जो सरकार का दी वही होगा, जनता का कुछ भी नहीं, सब कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी को सपोज कीजिए कि कोई रेलवे स्टेशन बनाना है और वहां पहले से मोहल्ला बसा हुआ है, आदेश देगा कि एक हफ्ते में मोहल्ला खाली कर दीजिए, आप खाली कर देने तो उड़वा देगा आपको, दूसरे जगह आपको दे देगा, घर और बना के देगा, आपसे नहीं पूछने जाएगा कि क्या मुआवजा हो जाए, यहाँ दे दिए शांति से रहो, आपको उठा के कहीं से कहीं फेंक देगा यहाँ पे। वहां जनता का कुछ नहीं सुना जाता है और राइट टू एक्सप्रेशन होता ही नहीं। आप सरकार के खिलाफ करेंगे तो आपको गोली मारा जा सकता है और सबके सामने, समझ में आ गया कि नहीं आएंगे, सबके सामने मार देगा। कभी चाइना में प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होने देंगे, वो सब मार देगा सब वहां पे, सरकार के खिलाफ जहां कुछ किया मार देगा सब। सरकार के जैकमा अलीबाबा कंपनी है चाइना की, उस अलीबाबा चाइना की कंपनी जैकमा का कहना था, उसके सीईओ हैं अलीबाबा, वो अपने आईपीओ लाने वाले थे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कैसे डेढ़ दो लाख करोड़ तो आईपीओ से निकाल लेते हैं, उतना बहुत बड़ी कंपनी थी इंडिया वर्ल्ड लेवल की। तो आईपीओ के एक दिन पहले उन्होंने बोल दिया कि चीन सरकार को लोन देने की नीतियों को थोड़ा सरल बनाना चाहिए। इतने बाद आज तक किसी को जैकमा का पता चला? ये दो साल हो गया जैकमा को बोले हो, और हमारे यहां जो कुछ नहीं कर सकता है सीधे प्रधानमंत्री को बोलता है, अरे कौन होगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, होता है नहीं। हमारे यहां प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, बल्कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है ना तो पुलिस उसको सेफ्टी भी देती है चारों ओर से। हालांकि पुलिस के पास जो होता है ना, पुलिस के पास भी पावर है, लेकिन पुलिस को भी अपना प्रमोशन चाहिए, इस वजह से पुलिस भी कभी कभी गवर्नमेंट जिसकी रहेगी पुलिस उसी की है, और इसमें कोई दिमाग मत लगाइएगा। समझा गया? गवर्नमेंट जो बोल देगी पुलिस वही करेगी, नहीं तो आपको ऐसा जगह ट्रांसफर करेगा कि फिर प्रमोशन होने का रास्ते नहीं, फायर ब्रिगेड में डाल देगा, ले फायर ब्रिगेड में बैठ लो, क्योंकि यहाँ आग लगने के बाद लोग मजा लेने के लिए 10 को देखता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जाम में फंसल है और देख रहा है, अरे जर गई लोहे शुक्ला जी के घर, अजय भाले भाई हटो यहाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ी घुसने दो, यहाँ डाल देगा जहां तहां। तो साम्यवाद समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चाइना क्या है? हाँ, साम्यवाद, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? साम्यवाद की खराबी ये है कि ये पूरी जनता का ख्याल रखता है साम्यवाद, जनता को घर दुआ सड़क बिजली पानी सब चीज। चाइना में कोरोना हुआ तो ना घर में से घींच के क्वारंटीन कर दिया था, चिल्लाते रह जाइए यहाँ पे, किसी को देख लिया घर में कोरोना हुआ है दरवाजा बारवा से ठोक दिया कांटी लगा के सील कर दिया, खोलिए नहीं सकते हैं वहां पे,
दरवाजा लेके लकड़ी ठोक दिया वहां पे पूरा एकदम जाम कर दिया, खुलिए नहीं सकते, मर जाओ जी जाओ, उससे मतलब नहीं है। जो चाहेगी कम्युनिस्ट पार्टी, वहां कोई वैक्सीन नहीं ले रहा था, घींच के दवाई कैसे जानवर को लगाया जाता, लगा दिया वहां, चिल्लाते रहो जाओ, शांति हो गया यहाँ पे, कोरोना निपटा दिया वहां पे। बहुत कड़ाई से कोरोना का पालन किया था, हमारे यहाँ भी कड़ाई से हुआ था। लॉकडाउन जो था ना, कैसा फील हो रहा था, सेम कम्युनिस्ट देश में 365 दिन फील होगा जैसा फीलिंग है ना। पुलिस जो कहेगी थूर दे रही थी, जिसको मन जितना बढ़िया से बजा दे रही थी, कम्युनिस्ट में 365 दिन वैसे होता, बड़ी खतरनाक होते कम्युनिस्ट वाला।